महाभारत के योद्धा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं। कहा जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर और नारायण का रूप थे, यानी कि अर्जुन और श्री कृष्ण दो शरीर होते हुए भी एक प्राण थे। परंतु ऐसा होने के बाद भी एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हो गया था। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ था, चलिए इसे हम अपनी इस कहानी में जानते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक दिन महर्षि गालव प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे थे कि तभी आकाश मार्ग से जाते हुए गंधर्व चित्र रथ की थूकी हुई पीक उनकी अंजलि में आकर गिर गई थी, जिससे महर्षि गालव को बड़ा ही क्रोध आ गया था। क्रोध में महर्षि गंधर्व चित्ररथ को श्राप देना ही चाहते थे कि तभी उन्हें अपने तपोबल के नाश हो जाने का ध्यान आ गया था और वह रुक गए थे। फिर वह अपने उसी क्रोध में भरे हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए थे और उनसे सारी बात बताकर गंधर्व चित्ररथ को मृत्युदंड देने की विनती की थी, तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी महर्षि गालव को प्रसन्न करने के लिए यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कल सूर्यास्त तक चित्ररथ का वध कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिज्ञा के बारे में जब देवर्षि नारद को पता चला था तो वह तुरंत गंधर्व चित्ररथ के पास पहुंचकर उनसे यह बोले थे कि तुम्हारा अंत काल निकट आ गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कल सूर्यास्त तक तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर गंधर्व चित्ररथ बुरी तरह घबरा गया था। फिर वह देवर्षि नारद जी की शरण में आकर उनसे अपने बचने का उपाय पूछने लगा था। तब देवर्षि नारद ने बड़ा सोच समझ कर गंधर्व चित्ररथ से यह कहा था कि तुम्हें कोई भी देवता नहीं बचा सकता है, हाँ एक स्त्री है, यदि वह तुम्हारे जीवन की रक्षा का वचन दे दे तो वह अवश्य तुम्हारा जीवन बचा सकती है। गंधर्व चित्ररथ ने देवर्षि नारद से तब यह पूछा था कि वह स्त्री उसे कहाँ मिलेगी, तो देवर्षि ने चित्ररथ से यह कहा था कि वह स्त्री आज आधी रात को यमुना नदी में स्नान करने आएगी। नारद जी बड़े ही विचित्र देवर्षि हैं, यह तो आप सभी जानते ही हैं, इसलिए गंधर्व चित्ररथ को यमुना के तट पर भेजकर खुद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के महल में पहुंच गए थे और सुभद्रा से यह बोले थे कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, आज आधी रात को यमुना में स्नान करने तथा किसी दीन की जीवन रक्षा करने से तुम्हें अवश्य ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। नारद जी की यह बात सुनकर सुभद्रा अपनी दासियों के साथ आधी रात को यमुना स्नान करने पहुंच गई थी। उन्हें देखते ही वहां पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा चित्ररथ जोर जोर से रोने लगा था। चित्ररथ को रोता हुआ देख सुभद्रा को नारद जी की बात याद आ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दिन की जीवन रक्षा करके अक्षय पुण्य प्राप्त कर लिया जाए। यह सोचकर सुभद्रा चित्ररथ के पास आ गई थी और चित्ररथ के जीवन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी। परंतु जब चित्ररथ ने सुभद्रा को यह बताया था कि उनके ही भाई भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करने की प्रतिज्ञा की है, तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े ही धर्म संकट में पड़ गई थी। इसलिए वह चित्ररथ को लेकर अर्जुन के पास आ गई थी और उन्हें सारी बात विस्तार से बता दी थी। तब अर्जुन ने सुभद्रा की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए चित्ररथ को आश्रय दे दिया था। अपना काम ठीक से बनता देख नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर तब यह कह दिया था कि आप जिस चित्ररथ का वध करना चाहते हो उसे तुम्हारे मित्र अर्जुन ने अपना आश्रय दे दिया है। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अर्जुन के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। तब यदुवंशी सेना और पांडव सेना के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध छिड़ गया था। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है, तब उन्होंने चित्ररथ का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चला दिया था। यह देख अर्जुन ने सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए अपना पाशुपत अस्त्र चला दिया था। सुदर्शन चक्र और पाशुपति अस्त्र के टकराव से पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह देख स्वयं भगवान शंकर जी को उन दोनों का युद्ध रुकवाने के लिए आना पड़ा था। युद्ध रुकवाकर भगवान शंकर जी ने श्री कृष्ण को समझाते हुए यह कहा था कि भक्तों की बात के आगे भगवान को अपनी प्रतिज्ञा भूल जानी चाहिए। भगवान शंकर जी की बात मानकर
भगवान श्री कृष्ण ने चित्ररथ का वध करने का विचार त्याग दिया था और चित्ररथ ने महर्षि गालव से क्षमा मांगकर उन्हें भी प्रसन्न कर लिया था।